रहे सितारे आज बांद्रा में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? रोशन है सितारे। सबसे पहले मीडिया को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सभी मीडिया को हैप्पी न्यू ईयर 2022, सबका अच्छा हो, मेरा अच्छा हो, पूरी इंडिया का अच्छा हो और पूरी वर्ल्ड का अच्छा हो। मैं आपका छोटा भाई, गरीबों के एक्टर कलंजियाना, मेरे साथ में वैभव जी है जो एक गुड एंकर है, मेरे भाई है वेरू जैन, एक्टर है, मॉडल है, DPIF के प्रेसिडेंट है। रोशन सितारे बॉलीवुड अवार्ड पिछले कई सालों से हो रहा है, जिसमें इनकी काफ़ी सारे मैं इनुस भाई के प्रोग्राम में मैंने एंकरिंग किया है। इनुस भाई के 4-5 प्रोग्राम में मैंने एज ए एंकर मैंने काम किया था इनके साथ। इनुस भाई बहुत अच्छे इंसान है और इस बार मुझे बुलाया, कल्याण जी आपको अवार्ड देना है मुझे इस साल। मैंने बोला मैं सबको अवार्ड देता हूँ, आज मुझे आप दे रहे हो, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर, तो थैंक यू सो मच रोशन सितारे बॉलीवुड अवार्ड। और आज काफ़ी लोगों को सम्मान मिल रहा है सभी को ऑल द बेस्ट। जिसको नहीं मिला उसको भी ऑल द बेस्ट, जिसको मिला उसको ऑल द बेस्ट। और सबसे बड़ी बात है, मेरी तमाम मीडिया को मेरा सबसे पहले नमन है जो आप लोग 4 घंटा यहाँ पर रहोगे और हम सबको सेवा करोगे और हमारी चीज़ को आप दिखाओगे बाहर। तो सबसे पहले मीडिया को मेरा नमस्कार है और यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर टीम है उन सभी को मेरा नमस्कार है। और आज 30 तारीख है, कल 31 है, उसके बाद 1 तारीख आ रहा है और 9 जनवरी को मेरी बेटी का जन्मदिन है। तमाम मीडिया को मैं बुला रहा हूँ, सभी को आना है, कैमरा लेके नहीं, आपको वहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए मेरी बेटी को आपको आना है। कैमरा लेके तो आप लोग आते ही हो मेरे प्रोग्राम में, लेकिन इस बार आपको कैमरा लेके नहीं, आपकी बेटी, मेरी बेटी मतलब आपकी बेटी, बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आपको आना है 9 जनवरी को। और 23 को मैं एक बेहतरीन मैं अवार्ड शो कर रहा हूँ जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस नोबेल पीस अवार्ड कर रहा हूँ मैं हॉलीडेन में, अंधेरी ईस्ट में हॉलीडेन होटल है, वहाँ पर एक बेहतरीन कार्यक्रम मैं करने जा रहा हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नोबेल पीस अवार्ड, हमारे हिंदुस्तान का कर्मवीर योद्धा नेताजी, मेरे बंगाल के टाइगर है, उड़ीसा का टाइगर है, हिंदुस्तान का टाइगर है, उनके नाम पे मैं करने जा रहा हूँ। तो आप सभी का आशीर्वाद लेकर मैं 23 को ये कार्यक्रम करेंगे। मैं आप सभी मीडिया भाई को नमस्कार कहता हूँ और हैप्पी न्यू ईयर सभी को, पूरे भारत देशवासियों को। मैं रोशन सितारे जो इनके ऑर्गेनाइजर यूनुस खान जी, यूनुस अंसारी जी और पूरी टीम को मैं शुभकामना देता हूँ शो के लिए और आगे भी अच्छे कार्य करते रहे। थैंक यू। मैं यूनुस अंसारी साहब और रोशन सितारे के इस खूबसूरत अवार्ड सभी को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। मैं सबसे पहले अपने मीडिया के सभी भाइयों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि किसी भी अवार्ड सेरेमनी को मुकम्मल करने में, पूरा करने में आप लोगों की जो पुरजोर कोशिश रहती है जिसकी वजह से वह अवार्ड सेरेमनी पूरा होता है। कोई भी कलाकार, कोई भी फनकार या कोई भी अफसाना निगार या कोई भी नगमा निगार मुकम्मल नहीं होता है जब तक से आपके जैसे काबिल पत्रकार उनके किरदार को आकार देते हैं। तो आज की तारीख में जो इजहार वसीला जो रोशन सितारे से अवार्ड सेरेमनी का हो रहा है, आसमान से इतने खूबसूरत सितारों को आज बैंड्रा के रंग शारदा इस और खूबसूरत ऑडिटोरियम में मुनक्किद किया गया है, तो मैं यूनुस अंसारी साहब और उनकी पूरी की पूरी टीम को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और हिंदुस्तान की अजीम शान इवेंट की दुनिया के बादशाह आपके भाई जनाब कल्याण जाना साहब को भी तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि नए साल में वो बहुत सारी खूबसूरत महफिलें मुनक्किद कर रहे हैं। ये कशिश के एहसास के और मोहब्बत के बादशाह हैं और इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये रहती है कि ये मोहब्बत के बादशाह बनकर हर दिलों को फरोज़ा कर सकें, हर दिलों में अपनी मोहब्बत की और इंसानियत की रोशनी को जला सकें। तो ऐसे इंसानियत और मोहब्बत के बादशाह जनाब कल्याण जी जाना, मेरे भाई भैरू जय और आप सभी पत्रकार, काबिल पत्रकार जो इस अवार्ड सेरेमनी को मुकम्मल कर रहे हैं, मकबूल कर रहे हैं, आप लोगों को नए साल की मुबारकबाद और 2022 हम सब के लिए एक नया इतिहास बनाने का साल हो और यह 2022 हम सबको मोहब्बत से, दौलत से और शोहरत से मालामाल करे, यही मेरी ऊपर वाले से दुआ है। मैं आज हमारे ताहिल कमाल खान साहब जो बहुत अच्छे एक्टर है और उनका आज बहुत बड़ा पोस्टर लॉन्च है, सुल्ताना फिल्म का आज पोस्टर है लॉन्च उनका, ताहिल कमाल खान को मेरा दिल से बधाई देता हूँ क्योंकि आइए
आइए। ताहिल भाई का आज बहुत बड़ा पोस्टर का लॉन्च है, क्योंकि सुल्ताना फिल्म बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ा फिल्म को इन्होंने अपने बोलता ना एक ड्रीम प्रोजेक्ट को आज पोस्टर को लॉन्च करेंगे ये सर। सबसे पहले आप सबको नमस्कार, और हमेशा से रोशन सितारे अवार्ड हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत सौभाग्य की बात होती है कि यहाँ पर 1800 किलोमीटर दूर से चले हुए सब व्यक्ति जो बॉम्बे शहर में किसी ना किसी मुकाम पर पहुँचे और उनको आज सम्मान किया जाता है, और फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़ते हैं। मैं बिजनौर का होने के नाते प्राउड फील करता हूँ, और इसलिए क्योंकि ये बिजनौरी जो प्यार देते हैं उतना प्यार मुझे ऐसा लगता है जैसे बॉम्बे से लेके बिजनौर, बॉम्बे में शाहरुख खान को मिलता है और मुझे बिजनौर में मिलता है, तो मैं इनका इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज सौभाग्य की बात यह है कि काफ़ी सालों से जो सोच, एक सोच को मैं आप सबके सामने और बिजनौरियों के सामने कोशिश कर रहा हूँ रखने की, इंशाल्लाह सुल्ताना डाकू पर जो हमारी फिल्म शुरू हो रही है फरवरी में, जिसकी शूटिंग स्टार्ट है उत्तर प्रदेश में, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खूब सारा प्यार आशीर्वाद देंगे ताकि हम इस फिल्म को बहुत अच्छे से प्रजेंट बना सकें और पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में इसको रिलीज़ कर सकें। तो आप सबका प्यार और आशीर्वाद बस हमें चाहिए। इसी तरह आप सबका प्यार और आशीर्वाद हमें चाहिए। और उसमें कासिम भाई भी मुझे लगता है कि अपनी जगह बना रहे हैं, रोल करेंगे इंशाल्लाह। तो आप सबका प्यार आशीर्वाद दीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। एक मिनट, फोटो वहाँ से फोटो ले लाइक मेरा डार्लिंग, वहाँ से फोटो मारना, मार दो। बांद्रा में आज चहल पहल कर रहे, क्या कुछ कहना चाहेंगे और इस ऑर्गेनाइजेशन के आज के बारे में सर? रोशन सितारे को नया नाम नहीं है, कई सालों से रेगुलर करते आ रहे हैं, यूनिस वाइज के करता धरता है, और मुझे भी खुशी है इस बात की कि हर बार आने का मौका मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो अवार्ड वो रखते हैं, यूनिस भाई ने जो ये अवार्ड रखा है रोशन सितारों के नाम से, एक तो नाम ही बड़ा प्यारा रोशन सितारे, यानी अपकमिंग सारे स्टार और जो ओरिजिनल स्टार हैं उनके लिए भी है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके का समय समय पर अवार्ड होना बहुत ज़रूरी है हम कलाकारों के लिए, और इस बहाने आप लोगों से भी मुलाकात हो जाती है सारी जितनी भी मीडिया है, और हर नए पुराने कलाकारों को यहाँ सम्मान मिलता है, जिन्होंने पूरे साल में जो अच्छा काम किया है उनको काम मिलता है, प्लस जो कोविड के भी जो लोग जो सेवा करते हैं वॉरियर हैं उन लोगों को भी सम्मान दिया जाता है। तो ये बहुत ही प्यारा काम कर रहे हैं यूनुस भाई, इसलिए हम उनको तहे दिल से अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि उनको और हिम्मत है और ऐसी तरीके के प्रोग्राम वो करते रहे। दिलीप जी, 2021 अब एक दिन और बचे हुए हैं, और क्या कहना चाहेंगे कुछ व्यूअर्स से अपने नए वर्ष? दिन तो एक बचा है, मगर जो वो एक दिन को बचे हुए के बीच में जो दूसरा एक कोरोना का एक नया रूप लेके आया है, वो हम सबों के लिए बहुत बुरी खबर है वो, और हमें कोरोना की जो गाइडलाइन है उसको ज़रूर कायम रखना चाहिए अपने बीच में, क्योंकि ये ऐसी खतरनाक बीमारी है कि कहीं भी किसी को लग सकती है, जाते जाते भी हमारे लिए साल जरूर जा रहा है मगर हमारे लिए वो बीमारी एक आ रही है। तो मैं जितने भी दर्शक अगर मुझे देख रहे हैं तो मैं उनसे यही कहूँगा कि भैया मास्क भी रखिए, सैनिटाइज भी रखिए, जिस तरीके से पहले अपनी ज़िंदगी 2 साल जिए आगे भी वैसे रखें, बाकी ईश्वर अल्लाह के हाथ में है जो भी होता है, पर अपनी तरफ से प्रिकॉशन लेना चाहिए। और आने वाले नए साल के लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहा हूँ, जितने भी मेरे दर्शक ये देख रहे हैं मुझे मीडिया कर्मियों के माध्यम से, बस स्वस्थ रहें, ठीक रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रखें। भाई को 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 भा
नहीं बोलूंगा, मेरी तबीयत बराबर नहीं है। नहीं सर बोलना पड़ेगा, तबीयत बराबर नहीं, सुनते करो, मैं नहीं बोल पाया। साजिद भाई बोलेंगे। माशाल्लाह रोशन सितारे जो है हमेशा रोशन होता रहता है और रोशन होता रहे, ये मेरी दुआ है हमारे यूनुस भाई के लिए। और दूसरी बात ये है कि मैं पहले बहुत मिस किया ये प्रोग्राम, पहले भी बुलाया गया था, मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं था इस प्रोग्राम के लिए। आज जो है खास करके दूसरे प्रोग्राम को कैंसिल करके हम लोग यहाँ पहुँचे ज़रूर हैं। मुंबई में नहीं हमारा था आज ठिकाना, बट हमने कल में पोस्टपोन किया जस्ट बिकॉज ऑफ द लव रिस्पेक्ट गिवन बाय दिस पर्सनैलिटी। और मैं चाहता हूँ अल्लाह इनको और तरक्की दे, अल्लाह इनसे और अच्छे काम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं तो पहले आते झंडे गाड़ दिए इन लोग भाई। सबसे पहले तो जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद है सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, भाई को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, और आकिब जो इनके बेटे जो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं उन्होंने मुझे इनवाइट किया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। और ये मेरा सेकंड टाइम है, इससे पहले हम लोग 3 साल पहले आए थे और मेरा पूरा ग्रुप आया था। अभी भी हम लोग सब मतलब कुछ ना कुछ काम में बिजी थे और आकिब का मुझे कॉल आया था, आकिब दुबई में, तो मैं बोला जाना ज़रूरी है। बहुत अच्छा लग रहा है अभी तो हम लोग आए, अभी देखते हैं कि कैसा है आप बाकी का अवार्ड फंक्शन। अदनान भाई अवार्ड मिल रहा है या क्या क्या है, कैसी है चहल पहल, देखते हैं अभी अंदर जाने के बाद पता चलेगा। ओके, और क्या कुछ आने वाला है अदनान, कुछ शेयर करना चाहेंगे दर्शकों से? अभी तो रिसेंटली आया है हमारा ग्रुप का एक सॉन्ग आया है यार भूखे रंगे, जो पूरी टीम 07 एक साथ, जिसपे लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और 3 से 4 दिन तक कंटिन्यू ट्रेंडिंग भी रहा है। और अभी 2 दिन हुआ है मेरे छोटे भाई ये डी अब्दुल का भी सॉन्ग आया है स्ट्रेट आउट ऑफ दर हबी, तो वो भी बहुत अच्छा सॉन्ग है। और अभी 2022 के लिए बहुत सारे सॉन्ग डी अब्दुल के बैक टू बैक लाइनअप है और रेगुलर अपडेट रहेगा। आप अदनान अब एक दिन और बचे हुए नए वर्ष हमारे बीच में आने वाला है, क्या कुछ? तो सबको हैप्पी न्यू ईयर मैं विश करना चाहूँगा, और जैसे कि सभी न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं अपने आगे के साल, अपने पहले की लाइफ में जो गलतियाँ जो मिस्टेक्स होती है उससे सीख के आगे की लाइफ को बेटर करने के लिए, तो जैसे हम लोग अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जितने भी लोग हैं जो भी पास्ट में गलत हुआ रहेगा उसको भूल के एक नए साल की नई शुरुआत करके कुछ अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना के एक अच्छा सा साल स्टार्ट करें। अदनान ने क्या रेजोल्यूशन लिया, कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैं तो बहुत सारे लिया हूँ, वो आपको मेरी फीड पे देखने, मेरे को आप रेगुलर फॉलो करोगे तो आपको पता चल जाएगा मेरे वर्क से लेके ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें मेरी अपकमिंग। अभी बहुत ही जल्द इंशाल्लाह हमारा खुद का हमारे ग्रुप का एक प्रोटीन ब्रांड भी आ रहा है, जिसमें से एक सम ऑफ अमाउंट हम लोग एक खुद का एक NGO भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें से एक सम ऑफ अमाउंट उसमें से हम लोग NGO में लगाएंगे और जो भी ज़रूरतमंद बच्चे उन लोग की हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। मैसेज यही देना चाहूँगा कि सबसे पहले बहुत बहुत खुशी हुई, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यूनुस भाई को, रोशन सितारे जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ पर बुलाया है। और अपनी शुभकामनाएँ देना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम पहले भी करते रहे, मैं भी प्रोग्राम अटेंड किया हूँ, और ये प्रोग्राम आगे भी होता रहे, और अल्लाह से दुआ करूँगा कि इनको दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की मिले। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, तो मैं यहाँ पर आई हूँ रोशन सितारे में, मुझे आके बहुत खुशी हो रही है, और जैसे इन लोगों ने मुझे बुलाया है, ऑनर दिया है, मैं चाहती हूँ कि इनका जो भी जिसने बुलाया है उनका और शो ऑर्गेनाइज हो, अच्छे से हो और आगे बढ़े, और बहुत सा इन लोग और भी मतलब तरक्की कर, बस यही कहना चाहती हूँ। जी और क्या कुछ कहना चाहेंगे नए वर्ष, क्या कुछ आपने रिजोल्यूशन लिया? जितने यहाँ पे लोग हैं सबके लिए आगे चल के कुछ ना कुछ मुकाम हासिल हो और तुम लोग तरक्की करे, तुम्हारे घर में जो भी प्रॉब्लम हो सब अच्छे से हो जाए, और बस क्या बोलूँगी, बस नियत अच्छी रखो, सबको बरकत मिलेगी, और न्यू साल हैप्पी न्यू ईयर पहले एडवांस में। थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हम लोग को बहुत अच्छा लगा, हम मम्मी को इनवाइट किया बट मम्मी के एब्सेंस में हम लोग को आना पड़ा,
बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे। अभी हम लोग अंदर जाके देखेंगे कैसे क्या है। जैसे अभी हम लोग की एंट्री हुई है, हम लोग यहाँ पर ऑन बिहाफ ऑफ रियाना खान बॉस की तरफ यहाँ पे आए हुए हैं। अभी जस्ट एंट्री की है, वेलकम तो बहुत अच्छा था, अब आगे देखते कैसा है। अभी तो मैं अंदर जाके बताऊंगी कि कैसा है, लेकिन आखिरी तक लगा कि बहुत अच्छा है। अब मैं उनकी जगह पे हम लोग आए, मतलब मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ और ये उनकी छोटी बेटी है और ये उनके बड़े दामाद हैं। थैंक यू। वंदना जी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। रोशन सितारे में आप भी जगमगा रही है, बांद्रा रंग शारदा में। क्या कुछ कहना चाहेंगी आज की इस शाम को? Definitely, it's a really a great pleasure for me because it's a Roshan Sitare Bollywood Award. और इतने legendary actor actress यहाँ पर आ रहे हैं, like जितेंद्र जी बहुत मेरे favorite हैं, even मेरे father के भी। So it's a great pleasure. ऐसी जगह मुझे best actress and best debut pop singer का award मिल रहा है और बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। I'm so happy. थैंक यू। ज़्यादा नहीं बट थोड़ा ज़्यादा लगा है, और बट से थोड़ा सा ज़्यादा लगा है। एंड एवरी टाइम आई वॉन्ट टू यू नो क्रिएट अ न्यू लुक इन माई सेल्फ एंड दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, बिकॉज मोस्टली एक तरह का फैशन अगर हम कैरी करते हैं, फॉलो करते हैं, उससे हम बोर हो जाते हैं। बट एवरी टाइम आई जस्ट वॉन्ट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग न्यू, सो दैट आई ट्राई टूडे ऑल्सो। टुडे इज माई परफॉर्मेंस ऑल्सो, एंड आई थिंक मुंबई में और इतने बड़े अवार्ड शो में आज मेरा परफॉर्मेंस है, सो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत खुश भी हूँ। और लेट्स सी हाउ गुड माई परफॉर्मेंस लेटर ऑन, यू विल जज टू मी। वंदना, एक दिन और बचे हुए हैं, 2021 आने वाला है, 2022 आने वाला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने सभी फैंस को, व्यूवर्स को न्यू ईयर की बहुत बहुत वेल विशेस देना चाहती हूँ और यही कहना चाहती हूँ जैसे पिछले जाने वाले साल में इन्जॉयफुल रहा एंड समथिंग हम न्यू करते रहे, आने वाले साल में भी कुछ ना कुछ नया करते रहें और उसको मतलब कुछ भी हम एक्स्ट्रा करें इस नए साल में। देखते हैं, हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं, इंशाल्लाह देखते हैं कैसा लगेगा, फिर इंशाल्लाह हमेशा आएंगे। और थैंक यू सो मच आप सबका कि आप लोग हमें इतने अच्छे से इनवाइट किए, और देखते हैं क्या होता है। हम लोग पहली बार आए हुए, देखते हैं इंशाल्लाह क्या है। कितने एक्साइटेड हैं, बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। यूनुस भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें यहाँ पर आप लोगों ने बुलाया, इतना मतलब रिस्पेक्ट अभी से स्टार्टिंग हो गई है, अभी देखते हैं वहाँ पर। बहुत खूबसूरत लग रही है, कितना समय लगा आपको तैयार होने के लिए? 4 घंटा। लेट आने का यही रीजन है। और ट्रैफिक भी एक्चुअली ट्रैफिक भी काफी है। और नया वर्ष, 2 दिन और 1 दिन और बचा हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक दिन बस यही कि बस सबका साल अच्छे तरीके से जाए, क्योंकि जो भी ये जो आया है, जो बीमारी है, वो पूरी बीमारी चले जाए और सब आगे बढ़े, और नया साल सबका बहुत बहुत अच्छा जाए और आगे बढ़े। तो सबको हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो आप लोगों ने रिस्पेक्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। उनको यहाँ पर अवार्ड से नवाजा जाता है, और ताकि उनको प्रोत्साहन मिले और आगे बढ़ते रहें, मतलब उनमें हौसला अफजाई हो। थैंक यू सर। थैंक यू।
सर एक फिल्म आने वाली है जलालाबाद, सोनी लाइव की है, उसका शूट शुरू हो गया है और बाकी अभी मेरा जो है मेरे सही चल रहा है, उसके अंदर मैं पिछले 2 साल से संता का कैरेक्टर कर रहा हूँ, अभी फ़िलहाल यही है। जी हाँ, मेरी ओर से सभी श्रोताओं को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और ऊपर वाले से मेरी यही कामना है कि आप सब इस नए साल में खुशी वाले चेहरे से एंटर करें, आपके लिए नया साल खुशियों भरा हो, स्वास्थ्य भरा हो और कामयाबी भरा हो। हाँ, मैं मेरे साथ जो बैठे हैं ये महानुभाव कल्याण जी जाना, इनका जो फंक्शंस होते हैं इनके बहुत कमाल के होते हैं और इनकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ बेसिकली। और देखो, अवार्ड छोटा हो बड़ा हो, अवार्ड होता है, जब आपके काम की रिकॉग्निशन होती है तो मेरा फ़र्ज है कि मैं उसे जाके एक्सेप्ट करूँ, इसीलिए मैं लेने आया हूँ। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यूनुस भाई ऑल्सो और कल्याण जी भाई, थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक यू अखिलेश भाई, कहाँ अखिलेश भाई कहाँ है? थैंक यू सर, नमस्कार प्रणाम, आप तमाम जितने भी मीडिया पर्सन हैं सभी को नमस्कार। साल के एंडिंग चल रहे हैं और ये रोशन सितारे बॉलीवुड अवार्ड मिला है, आप सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच इतना अच्छा प्यार देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। मैं इस अवार्ड को भागदारी है मेरी वाइफ, लवली वाइफ अंकिता जाना, मेरी लवली डॉटर मेरे अविका जाना और मेरी गॉड, मेरी पेरेंट्स, मेरी ऑल DPI टीम मेंबर, मेरी बेरू भाई और साथ में मेरी माता पिता गुरु और मेरे हर हर महादेव। एक मिनट, कैमरे के सामने एक चीज पूछना चाहता हूँ मैं कल्याणी जाना से जी, कि इनकी मैंने फिल्म की थी मैं हूँ ऑटो वाला जी, जिसको मनसे पार्टी की वजह से मतलब बंद कर दिया गया था फिल्म को जी। तो कहानी में ट्विस्ट ऐसा था कि यूपी बिहार वालों को महाराष्ट्र से जब भगाया जा रहा था, वो दंगे के ऊपर पूरी फिल्म बनी थी, कहानी पूरी थी वो, जिसमें लीड रोल कर रहे थे कल्याण जी जाना, मूवी को मैं ही डायरेक्ट कर रहा था उसमें एज अ डायरेक्टर। तो वो फिल्म हमने जो रोक दी थी कोविड से पहले, वो फिल्म कब हम शुरू करने चाहते, कब शुरू कर रहे हैं? ये फिल्म 2022 में हम शुरू कर रहे हैं और 2022 के एंडिंग में ये फिल्म आ रहा है मैं हूँ ऑटो वाला, और जिसका डायरेक्टर है हमारा अजहर हुसैन साहब। 2022 में इंशाल्लाह महादेव के आशीर्वाद से मैं हूँ ऑटो वाला मार्केट में आया। हाँ, ये लोगों में अफवाह बहुत ज्यादा फैली रही थी कि हमारे बीच में बहुत झगड़ा है, हम लोग बात नहीं करते, डिस्कस नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इवेंट्स कर रहे होते, कहीं ना कहीं मैं इवेंट्स कर रहा होता, कहीं ना कहीं ये शूटिंग कर रहे हो, मैं कहीं और शूटिंग कर रहा होता, पर ऐसा नहीं कि हम लोग, इंडस्ट्री हमारी छोटी सी है, एक परिवार है, हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं है, पहले भी हम अच्छे दोस्त थे, अच्छे भाई थे, आज भी वैसे हैं। परफेक्ट, हम कोई झगड़ा नहीं है, लव यू ऑल, साथ में है माँ के सब फाड़ लगेंगे, हर हर महादेव। थैंक यू हर हर महादेव। जी मेरा नाम अबराम पुत्तन है और मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, शायद आप लोगों ने देखा हो या ना देखा हो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, और मैं आ जाया हूँ यहाँ रोशन सितारे में। मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मैं यहाँ इनवाइटेड होऊंगा, मगर भाई ने मुझे इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई, और लोगों का प्यार तो आप लोग देख ही रहे कि कैसा है, तो बस सही है। जब्बार भाई बोलिए। मेरा नाम जब्बार खान है, मैं लुक लाइक सलमान करता हूँ, मैं भी अब्राम भाई के साथ ही इधर आया हूँ, मुझे भी पता नहीं इधर क्या है, मालूम नहीं था, जब फ़ोन किए तो मैं उनके साथ आया हूँ। जी मुझे बहुत खुशी होती है कि आप जो है अलग अलग जगह से लोगों को उठा के मिलाते हैं और उनसे जो है बातें होती हैं, तो ये मुलाकात काफ़ी हद तक जो है आगे तक जा सकती है, तो इससे दूसरों को काम भी मिलता है और यानी सब चीज़ें होती रहती हैं। आजकल क्या सब अगर बात करें जी, आजकल क्या चीज़ वायरल आपकी? मेरी कौन सा ऐसा? मेरी तो कॉमेडी वायरल है बस, और क्या है, बस कॉमेडी वीडियोज़ बनाता हूँ, लोगों को पसंद आती है, उनका प्यार मिलता रहता है, तो बस यही मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा यानी मायने रखता है, क्योंकि इतनी आबादी में और मुझे भी उन लोग पसंद करें, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। हाँ, मैसेज होता है अभी इस यानी नए साल में हम लोग कुछ नया करेंगे, और इंस्टाग्राम ही नहीं अदर प्लेटफॉर्म पे भी अभी कूदने का इरादा है, और वहाँ भी लोगों का प्यार की उम्मीद है कि बस हमारा काम लोगों को अच्छा लगे और उनका प्यार हमेशा बना रहे। आपको
अब्राहम भाई, देखते देखते आपकी टीम काफी बड़ी होती जा रही है। बस कोशिश है भाई, और कुछ नहीं। आप लोगों पब्लिकों का प्यार है और बस थोड़ी मेहनत है। वैसे मैं मेहनत को इतना नहीं मानता हूँ, मगर जो लोगों का प्यार है मेरे लिए वो बहुत कुछ है, और मेरे लिए वही मायने रखते हैं। जब मैं कहीं जाता हूँ और लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई आपको इंस्टाग्राम पे देखा, तो इससे मुझे लगता है कि हाँ भाई, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ मेरी ज़ाया नहीं हो रही, मेरे लिए यही बहुत कुछ है। बाकी अगर मुझे कहीं से कुछ नहीं भी मिल रहा, कुछ नहीं भी हो रहा, चले वेलकम। अस्सलाम वालेकुम इंस्टाग्राम की पब्लिक को मेरा सलाम। मैं रोशन अवार्ड में आई हूँ और मेरा नाम शबाना शाह 90 है, और माशाल्लाह मुझे आके यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, और इनका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा लगा, और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ तक का बुलाए। और मैं इंस्टाग्राम की पब्लिक को कुछ बोलना चाहती हूँ कि ये अवार्ड फंक्शन पे बुलाने का हक आप लोग ने मुझे दिए, इसके लिए शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। मेरा नाम चारू कटारिया है, और अवार्ड फंक्शन के लिए मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी सबको। मैं बॉलीवुड एक्ट्रेस हूँ। मैं मोहम्मद शकील सैफी, चेयरमैन सारमनी, और मैं दिल्ली से आया हूँ, और अपने रोशन अवार्ड के लिए मैं सभी अपने जितने भी अवार्ड आने वाले हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ अपनी वर्ल्ड की सारमनी की तरफ से। मैं नंदिनी वर्मा दिल्ली से आई हूँ मैं भी, और बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को जिनको ये अवार्ड मिल रहा है। थैंक यू सो मच। हाँ, रोशन सितारे अवार्ड के बारे में बताना है आप लोगों को, तो मैं आया हूँ। ये जो फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किए है वो मेरे बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड है, और मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मेरे मिलियन फॉलोअर्स है वहाँ। तो ये लोग मेरे फ्रेंड सर्कल में आते हैं सब, इनके जितने भी है जो है, ये लोगों ने मुझे यहाँ इन्वाइट किया, थैंक यू सो मच इन्वाइट करना। तो मैं यहाँ आया हूँ ये लोगों के लिए, और रोशन सितारे अवार्ड मैं पहले भी ले चुका हूँ, दो साल पहले, और अभी 2 साल बाद मैं फिर आया हूँ। लॉकडाउन था तो उसमें अवार्ड तो हुआ नहीं, आप लोगों को मालूम है, तो अभी मैं फिर आया हूँ यहाँ अवार्ड लेने। और थैंक यू सो मच फॉर मच रिस्पेक्ट, थैंक यू सो मच हमें यहाँ बुलाने, थैंक यू सो मच, वेलकम। मैम, आज आप आए हैं रोशन सितारे अवार्ड में, इसके बारे में बताइए आप। अभी तो हम लोग आए हुए ही है, अभी देखेंगे कि यहाँ किस तरीके से अब फंक्शन ऑर्गेनाइज किया हुआ है, फंक्शन किस तरीके से हो रहा है, वही अभी देख के बात करेंगे। रोशन सितारे अवार्ड में आए हैं हम लोग को, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे। जैसा हम लोग एंट्री मारे हम लोग को बहुत अच्छा लगा, अभी अंदर और जाना बाकी है, लेकिन एंट्री में हम लोग को इतना अच्छा लगा ना। हमारी केजीएन महिला मंडल टीम की तरफ से सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। लोगों को आज हमारे जावेद भाई ने इन्विटेशन दिया था हमारे पूरे ग्रुप को, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, और अभी इंशाल्लाह आगे जाके अभी देखते हैं क्या है, कैसा है, क्या है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल। ओके, थैंक यू। देखो, बड़ी खुशी की बात है भाई, ये एक्चुअली ये कहानी एक ऐसे डाकू की कहानी थी, जो डाकू नहीं था, वो गरीबों को लूट के, अमीरों को लूट के गरीबों की मदद करता था। हमारे साथ में मेरे डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर लवी जी भी हैं, तो सब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बताएंगे आपको। तो जैसे कि मैं बताऊँ कि बिजनौर एक ऐसा ज़िला है जिस ज़िले के लोग बॉम्बे में नहीं, पूरे वर्ल्ड में हैं। और बॉम्बे में आज जैसे कि आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में जितने भी लोग पाव खाते हैं, यानी 60 लाख आदमी रोज़ पाव खाते हैं, वो बिजनौर के लोग बनाते हैं। तो बड़े प्राउड की बात है कि बिजनौर के लोग
2400 किलोमीटर दूर से चल के यहाँ पर आके उन्होंने अपने अपने सपने अपने अपने मुकाम बनाए, और खुदा का शुक्र ये है कि सुल्ताना ये कहानी ऐसी है कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था जो मैं कई सालों से इसको लेके चल रहा था। जैसे कि पिछले कुछ दिनों पहले हमने सारे गाने रिकॉर्ड कर चुके हैं हम लोग अल्तमश फरीदी जी के साथ में और विनोद राठौर जी के साथ में और भी जितने सिंगर हैं सबके साथ में। तो माशाल्लाह अब हमारा प्री प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, ये प्राउड की बात है, और दूसरा पोस्टर लॉन्च हो चुका है। इंशाल्लाह फरवरी 4 तारीख से हम शूटिंग पर जाएंगे, उत्तर प्रदेश में शूटिंग होगी। बस मैं यही चाहूँगा कि आप सब अपना प्यार दीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार के बिना कुछ भी नहीं है, आपके आशीर्वाद दुआओं के बिना कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। आपके प्यार और दुआ आशीर्वाद अगर मुझे मिलती रहेगी तो इंशाल्लाह मैं इसी तरह से काम करता रहूँगा और ज़िला बिजनौर का पूरे वर्ल्ड में नाम करता रहूँगा। आप सबकी प्यार आशीर्वाद दुआएं मुझे इसी तरह देते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ में डायरेक्टर आलोक गोविल जी हैं, ये कुछ बताएंगे। ये एक करीब 1920 का सब्जेक्ट है, 100 साल पुराना सब्जेक्ट है ये। बोलिए सर। और एक हिस्टोरिकल स्टोरी है इसकी, बिजनौर के इतिहास से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है सुल्ताना का। और उसमें जो है उस सुल्ताना जो था डाकू ही नहीं था, एक अंग्रेज़ों को परेशान करने वाला एक वो था, क्रांतिकारी कहते हैं हम उसे, ना कि वो डाकू था, क्रांतिकारी था। तो अंग्रेज़ों ने फांसी देने के कारण उसका सुल्ताना ने कोई आज तक मर्डर नहीं किया था, डाकू था लेकिन उसने कोई हत्या भी नहीं करी थी उसने आज तक, लेकिन अंग्रेज़ों ने फांसी सुनाई उसे इसलिए क्योंकि वो क्रांतिकारी ना बन जाए आगे चल के। तो एक हिस्टोरिकल सब्जेक्ट है और बहुत बढ़िया तरीके से हम लेके चल रहे हैं। गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं, टाइटल सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ है अभी विनोद राठौर जी की आवाज़ में हुआ था, बाकी 5 गाने हम रिकॉर्ड कर चुके हैं पूरे। सर क्या वही करने वाले हो शूट मेन जगह पे? नहीं, 80% तो हम करेंगे यूपी में जहाँ उसका गढ़ था, और 20% करेंगे इसे मुंबई में। उसके किले पे करने वाले हो? हाँ, किले पे तो जरूर करना, किला तो जरूरी है, किला तो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना उसका। किले के बारे में बताओ, किले के बारे में। किला वो था औरंगजेब का किला था जो अंग्रेजों ने कैप्चर करके उसे जो है सुल्ताना के जो कबीला था उसे उसमें कैद कर दिया था उन्होंने। नजीबाद में यूपी में बिजनौर जिला पड़ता है, उसमें नजीबाद एक कस्बा है। ये तो असल में रोल के हिसाब से शूट कर रहा है इनके ऊपर तभी। नहीं, बात ये है कि शरीफ आदमी कभी कभी ऐसा होना चाहिए, लगे शरीफ आदमी को ऐसा बनना चाहिए कभी कभी। हीरोइन का क्या है, कहां गई सुल्ताना के? हीरोइन क्राउन का अनाउंसमेंट होगा, बस अनाउंसमेंट करने वाले हैं उसका भी। अब पूरी स्टार कास्ट का हम लोग आपके सामने इंशाल्लाह बहुत जल्दी अनाउंसमेंट करेंगे, क्योंकि अभी अभी फरवरी में शूटिंग, फरवरी 4 तारीख से। मेरा नाम रवि चौधरी है, आई एम फ्रॉम बिजनौर, मैं प्रोड्यूसर हूँ फिल्म का। और ताहिर भाई जैसे कि बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है मूवीज़ वगैरह में, और छोटी सीरीज में भी काम कर रहे हैं ताहिर भाई। और मैं भी पॉसिबल है कि जल्द से जल्द इलेक्शन के बाद पिक्चर की शूटिंग बिजनौर जिले में ही होगी, और काफ़ी कोशिश करेंगे कि अच्छे स्केल पर जाए मूवी, एज सून एज पॉसिबल जल्द से जल्द हम अपनी शूटिंग शुरू करेंगे। नहीं, हम जिला बिजनौर के रहने वाले हैं, लेकिन आना कि आप स्टोरी बना रहे हैं सुल्ताना डाकू को तो पूरी दुनिया जानती, पूरा विश्व जानता है। नजीबाद हमारे बिजनौर कर दो वो एरिया नहीं, नजीबाद जो है ना हमारे बिजनौर में आता है, बिजनौर जिले में ही आता है, एक एक थोड़ा सा वो टाउन है उसका बिजनौर का, उसमें आता है, इसलिए बिजनौर के। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तालू था लगभग। सुल्ताना फिल्म हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी इंटरनेशनल लेवल पर फिल्म बन रही है, ये हिंदुस्तान का के अलावा दूसरी लैंग्वेज में भी बनेगी हिंदी के अलावा, और पूरी उम्मीद है कि फिल्म जो है एक अलग तरीके से आलोक भाई बना रहे हैं, इससे पहले भी सुल्ताना फिल्में आई हैं, लेकिन जो आलोक भाई बनाएंगे वो एक हट के बनाएंगे। लेकिन सुल्ताना डाकू है, देखिए अभी तक जो है सुल्ताना का सिर्फ ये जानते कि वो डाकू था, लेकिन सुल्ताना एक अच्छा इंसान भी था वो कोई नहीं जानता है, जो आलोक भाई उसको पर्दे पर दिखाएंगे। नहीं, सुल्ताना की हीरोइन तो होगी, वो जरूर आलोक भाई बताएंगे। इनकी पत्नी थी उसकी, एक तवायफ से वो प्यार करता था, एक अंग्रेज मैम थी जो उसे मतलब ज़्यादा दिलो जान चाहती थी, बाकी जब आप स्टोरी में देखेंगे तो पता चली जाएगा आपको, लेकिन लेटेस्ट है जो बहुत सी ऐसी बातें हैं
जो नहीं जब लोगों की जानकारी में है वो हम दिखा रहे हैं। मैडम आप क्या कहेंगे सुल्ताना के बारे में? डाकू आपको कैसे लगे वो बताइए। डाकू तो बहुत हैंडसम है। तो आपको सुल्ताना का लुक इनमें दिखाई दिया जो आपने साइन किया? हाँ बिल्कुल। अभी पिक्चर कहाँ करने वाली है, कैसे करने वाली है, इसके बारे में कुछ बताइए। के बारे में मैं क्या बताऊँ? आप प्रोड्यूसर हैं? मैं प्रोड्यूसर की वाइफ हूँ। मतलब प्रोड्यूसर से बड़ी है। अच्छा सर ये बताइए सुल्ताना डाकू की मौत किस जगह पे हुई थी? कहा यह जाता है कि लखनऊ में वो घंटा घर से कूद के तालाब में उतरी जा। देखिए इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। वेट करना पड़ेगा सुल्तान, ये एक जानकारी आपको हमने बताया। तुम बता दो, आगरा में ऐसे फांसी लगी थी सुल्ताना डाकू, आगरा में फांसी लगी थी, क्योंकि फांसी तक था यूपी में दो ही जगह था, मेरठ में और आगरा में था फांसी, तो फांसी आगरा में लगी थी। और बहुत सारे पहलू हैं जो सुल्ताना के बारे में लोग जानते नहीं, वो फिल्म आने के बाद पता चलेगी। और बहुत अच्छे लेवल पर आलोक भाई इसकी तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छी फिल्म बनेगी, आप लोग को बहुत पसंद आएगी उम्मीद है। हिंदुस्तान में बिजनौर का नाम बहुत रोशन होगा इस फिल्म में आने के बाद। क्या बात है, सच में बहुत खुशी हुई इतना बड़ा अवार्ड पाके, और वो भी जैसा नाम है वैसा, जैसे अवार्ड का नाम है रोशन सितारे, तो अच्छा लगता है रोशन सितारे में जब हम जैसे छोटे सितारे आके बड़े सितारे का रूप धारण करते हैं कुछ पल के लिए, सही तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी आप सब जानते हो, जो पूछना है पूछ लीजिए। मेरी अभी कोविड में दो फिल्में रिलीज़ हुई थी इस कोविड में, फैक्ट्री जो कि फैजल खान ने डायरेक्ट भी की है और मेन हीरो इसमें, और दूसरी थी शुभ रात्रि, और अभी मेरी आने वाली है राणा दुर्गापति जो कि बाहुबली में थे उनके साथ, राणा नायडू नाम है वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स का, ये अब तक का बहुत कॉस्टलीस्ट वेब सीरीज़ है, वो उसमें दिखूंगा और नेगेटिव रोल करते हुए वो है। और प्लस मेरी एक वेब फिल्म आने वाली जिसका नाम है द गुड कॉन्टेंट, तो वो एक है दो फिल्म। नया साल आने वाला है? बिल्कुल, नया साल में हमको हमारा उत्तरदायित्व तो बनता है कि जो पुराने पल थे दुख के पल वो हमें भूलने चाहिए, और पॉजिटिव नोट में एक नए सिरे से नई जिंदगी का आगाज करना चाहिए। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ एंड प्राउड हूँ क्योंकि बुलाया है सर, एंड बस अवार्ड मिल रहा है, कितनी खुशी हो रही है आपको? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मुझे नहीं पता बट मुझे लग रहा है मिल रहा है। लग रहा है मिल रहा है। अभी फिल्म शूट करके आई आप? हाँ, बेसिकली मेरी नई मूवी आ रही है, दैट्स विक्रम वेदा, ऋतिक रोशन सैफ अली खान है उसमें, और वो नेक्स्ट ईयर आने वाली है सितंबर को। आप क्या कर रहे हो? मैं जो मेन हीरोइन है उसके बचपन का रोल। सितारे आज यहाँ पे हो रहा है बांद्रा में, सितारे सब यहाँ रोशन हो रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, हमारे यूसुफ भाई वो करते हैं ये प्रोग्राम, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, बहुत अच्छा रिस्पांस है यहाँ का, वो जो सोशल वर्क करते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से जो उनकी इनकम होती है, जो भी होता है स्पॉन्सर, जो सोशल वर्क करते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसे हम बोलते हैं कि उनको हम क्या दुआ है कि ऐसे उनका काम आगे बढ़े, तो ऐसे काम करते रहे। थैंक यू।